कुल 40 लोग इस बस में सवार थे और ये बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। नदी में जाकर ये बस गिर गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी की ये बस थी जो नेपाल जा रही थी और ये बस जो है नेपाल के नदी में जाकर गिर गई है, जिसमें अब तक 14 यात्रियों के मौत की खबर सामने आ रही है। इस बस में कुल 40 लोग सवार थे। बता दें कि ये बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उफनती हुई नदी में ये बस जाकर गिरी है, जिसमें अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक बस नेपाल की नदी में गिर गई, जिसमें 40 से ज़्यादा यात्री सवार थे। 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। 31 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बस नेपाल के पोखरा से काठमांडू जा रही थी। बस से सवार ज़्यादातर यात्री महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं और सभी यात्री नेपाल घूमने गए थे। हादसा जो है 11:30 पर नेपाल के तनहुन ज़िले के पास हुआ है। नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल सेना सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। घटना स्थल के ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर के डीएम कृष्णा करुणेश ने बताया कि बस गोरखपुर के केसरवानी टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी की है। महाराष्ट्र के लोगों ने बस बुक की थी। 2 बसों से करीब 110 लोग यूपी के प्रयागराज अयोध्या होते हुए नेपाल की यात्रा पर गए हुए थे और इनमें से एक बस का एक्सीडेंट हुआ है। दूसरी बस में सवार लोग नेपाल के मुगलिंग में रुके हुए हैं, जिनसे संपर्क स्थापित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के 110 लोग नेपाल की यात्रा पर गए थे और इसी दौरान जो है ये बड़ा हादसा हुआ है। अभी तक की बात की जाए तो 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 40 से ज़्यादा लोग इस बस में सवार थे। ये सीधे घटनास्थल की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उफनती हुई नदी में ये बस जाकर गिरी है और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अश्विनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, फिलहाल क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये बस जो है वो काठमांडू के लिए जा रही थी, जिसमें 40 यात्री सवार थे और अभी तक जो एसएसबी के जो प्रवक्ता है उनके द्वारा जो बताया गया उसमें ये कहा जा रहा है कि 14 लोगों की जो है बॉडी को रेस्क्यू किया गया है। अभी 16 लोगों की रेस्क्यू की जा रही बाकी है, क्योंकि जो आंकड़े बताए जा रहे थे जो यूपी के उसमें करीब 20 से ज्यादा यात्री सवार थे, जो लिस्ट आई है उसमें भी अगर देखें तो यूपी के अलावा महाराष्ट्र से भी लोग वहां पर थे और कई राज्यों में जो यात्री थे उसमें, तो वो सभी जो है काठमांडू पोखरा से काठमांडू के लिए जा रहे थे। और यहाँ पर जो नदी में तेज बहाव था, इसी चलते वहां पर ड्राइवर अपना बैलेंस खो गए और इसके बाद दब रहा यह हादसा हुआ। बिल्कुल, अभी तक कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? क्या मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि इस बस में कुल 40 यात्री सवार थे और इसमें से अभी तक 14 यात्रियों की जो मौत बताई जा रही है। हालांकि अभी भी लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों को वहां पर निकालने के लिए वहां पर जो सेना के जवान है और सशस्त्र बल के जो लोग है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार नेपाल पुलिस के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी ये बताया गया 14 लोगों की जो है उस शव को निकाला गया है और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि नदी में बहाव बहुत ज्यादा है और इसीलिए काफी दूरी तक ये सेना के जवान जो है वो रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक ये बताया जा रहा जो आंकड़े हैं कि 16 लोगों की रेस्क्यू करना अभी बाकी है। अश्विनी, ये बताइए इस बस में यूपी के कितने लोग सवार थे, क्या इस प्रकार की जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, जो अभी तक आंकड़े आए हैं या फिर हम बात करें जो एसएसबी के जो प्रवक्ता है उनके द्वारा जो आंकड़े बताए गए उसमें ये बताया गया है कि 20 से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश के लिए थे। यहाँ तक कि जो बस के ड्राइवर और जो उसके क्लीनर थे वो भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से के निवासी बताए जा रहे हैं। और ऐसे में एक बात की जाए तो 20 से 22 जो यात्री हैं
वो उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। जो बस हादसे का शिकार हुआ है, ये बस कौन से ट्रैवल एजेंसी का था, क्या इस प्रकार की जानकारी आपके पास? देखिए, ये इंडो नेपाल ट्रैवल एजेंसी की बस बताई जा रही है और ये हादसा लगभग सुबह 11:30 बजे के आसपास तो बताया जाए, जो तरहू जिले के पास ये हादसा हुआ था और इसकी जानकारी मिलने के बाद वहां पर सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल सेना का ने सर्च ऑपरेशन करके इस रेस्क्यू किया। हालांकि उसमें अभी तक जो बताया जा रहा है कि 14 से ज्यादा लोगों को जो है शव को निकाला गया है। इसके साथ ही कई ऐसे लोग हैं जिनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और साथ ही साथ कई और लोगों की रेस्क्यू के लिए लगातार सेना के जो लोग हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, क्योंकि नदी का जो बहाव है वो काफी तेज है, इसलिए काफी दूरी तक जो है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कुछ टीम लगाई गई है। अभी तक हादसा किस वजह से हुआ, क्या कुछ कारण पता चल पाया है? देखिए, अभी तक हादसे का जो मुख्य कारण तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके की वहां पर स्थिति देखकर जो तस्वीरें सामने आई है उसको देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पर तेज बारिश के चलते, क्योंकि जो नदी का बहाव है वो भी काफी ज्यादा है और सड़क जो है पूरी तरीके से वो डैमेज था और इसके चलते बस जो ड्राइवर वो अपना नियंत्रण खो दिए, जिसके चलते ये बस सीधे खाई की ओर गिरी और इतना बड़ा ये हादसा हुआ जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की जाने जा चुकी है। बिल्कुल अश्विनी, आप नजर बनाए रखें, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक बस जो है नेपाल की नदी में जाकर गिर गई है, जिसमें 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। अभी तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 5 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। ये बस नेपाल के पोखरा से काठमांडू जा रही थी। बस में सवार ज्यादातर यात्री महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। फिलहाल घटनास्थल पर लगातार सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है। यूपी सरकार के आपदा रिलीफ कमिश्नर जीएस नवीन कुमार ने बताया कि यह एक ट्रैवलर बस थी, इसलिए बस के अंदर यूपी और दूसरे राज्य के लोगों के होने की संभावना है। नेपाल के अधिकारियों से संपर्क करके लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। महाराजगंज की एसटीएम और एडीएम को तत्काल नेपाल भेजा जा रहा है। पिछले महीने भी नेपाल की त्रिशूल नदी में 2 बसें गिरी थी।